आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयर्स यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्यालय पर कई सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने पर बैठे बैंक कर्मचारियों का कहना था कि शासन के आदेश पर 8 माह बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के पदोन्नति नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयर्स यूनियन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मुख्यालय पर कई सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरने पर बैठे बैंक कर्मचारियों ने अपनी कई समस्याओं को बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल लखनऊ के अनुमोदन देने के पश्चात बैंक द्वारा 8 माह बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों के पदोन्नति नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं। आज मैं यहां आया हुआ हूं थोड़ी सी समस्या लेके। मेरे पिता को जिला सहकारी बैंक में कार्यरत थे, तो उनकी असमय मृत्यु होने के बाद मेरे भाई तो यहाँ लग गया, लेकिन मेरे पिता का जो कुछ भुगतान है पिछला वो नहीं हो पाया। अभी जो भी हमें फंड में जो भी पैसा मिला था, जो भी अमाउंट मिला था, तो वो मेरे पिता बीमार थे, तो बीमारी ऐसी थी कि किडनी की बीमारी थी, तो उसमें वो पैसा पूरा का पूरा उधर चला गया, जहाँ हमने कर्जा लिया कुछ भी लिया तो पैसा दे दिया। अभी जो अमाउंट बचा है उसके लिए हम समस्याएँ लेकर आए, और हमने यहाँ पहले भी कई सारी एप्लीकेशन है, कई सारी प्रार्थना पत्र लगाए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम यहाँ धरने पर बैठे हुए उसी को प्रदर्शन इस वजह से है कि कर्मचारियों का करीब 14 माह पूर्व पदोन्नति का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा किया गया था, जिसमें से 2 लोगों का वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रमोशन कर दिया गया, बाकी 8 लोग जो थे उनका वर्ग 3 से वर्ग 2 में प्रमोशन का नियुक्ति पत्र आज तक नहीं दिया, जबकि लखनऊ से सब लोगों का आदेश हो चुका है, उसके बाद भी यहाँ पे सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं, टालम टोल कर रहे हैं। कई बार लिख के दे दिया, शासन तक हमने लिख दिया, पोर्टल पे डाल दिया, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिला। हमारी मांग ये है कि हमें जो 8 कर्मचारी उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जबकि लखनऊ के शासनादेश जो भी हुआ है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वो भी आज 8 महीने हो गए, उसके बाद भी आज तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। धरने पर बैठे यूनियन सदस्यों की मांग है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान अतिशीघ्र किया जाए। अगर कर्मचारी की समस्या का निस्तारण अगले 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो वो प्रत्येक रविवार को कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए यूनियन के सदस्यों के साथ बैंक मुख्यालय पर धरना देंगे। संदीप शर्मा, सी न्यूज आगरा।